वो में ख़वातीन पुलिस फोर्स और थानों का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि बलूचिस्तान जो एक कबायली मुआशरे पर मुश्तमिल सूबा है, इसमें ताहाल ख़वातीन पुलिस फोर्स और थानों का क़याम अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से सूबे के अवाम बिलखसूस ख़वातीन में शदीद तशवीश और बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वह सूबे में ख़वातीन पुलिस फोर्स और थानों के क़याम को यकीनी बनाए, ताकि सूबे के अवाम बिलखसूस ख़वातीन में पाई जाने वाली शदीद तशवीश और बेचैनी का खात्मा हो सके। जिस तरह हमारी ख़वातीन इस मुआशरे का 51% तसव्वुर किया जाता है आबादी का, तो इसी तरह हमारे यहाँ जितने भी वॉयलेंसेस के केसेस होते हैं या किसी किस्म के, स्पेशली बलूचिस्तान के एस्पेक्ट में मैं बात करूँगी, हमारे कबायली माशरा है जहाँ औरत की अगर इज्जत है की जाती है, इसी तरह हमारे कई ऐसे इश्यूज़ है कि ख़वातीन पुलिस ना होने, पुलिस स्टेशन और फोर्स ना होने की वजह से ख़वातीन उन केसेस को ना पुलिस थाने तक लेके आ सकते हैं और ना कभी वो रिपोर्ट होते हैं। जिस तरह बाकी सूबों में ख़वातीन के पुलिस थाने भी हैं वहाँ पे, यानी यहाँ पे तो क्वेटा में बैठे हैं अगर एक दो थानों में ख़वातीन तैनात हैं, लेकिन थ्रू आउट अगर मैं बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँगी तो कहीं पे भी हमें ख़वातीन पुलिस स्टेशंस नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे भी एक दो सेल कायम किए गए हैं। इसी तरह रिसेंटली एक रिपोर्ट जो अभी पेश हुई आजकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड हम मना रहे हैं, तो उसकी तवसत से मैं बात करूंगी कि इस 9 माह में 38 ख़वातीन या 38 ख़वातीन का कत्ल हुआ है। कहीं पे वो ओनर किलिंग के नाम पे कत्ल हुई हैं, कहीं पे घरेलू तशद्दुद के बायस वो जो है ना मारी गई हैं, लेकिन कहीं पे भी वो प्रॉपर रिपोर्ट इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का कोई ज़रिया नहीं है। जब भी यानी आप बलूचिस्तान के अगर स्टैटिस्टिक्स को मैं देखूं, तो अगर कहीं पे खुदा न ख्वास्ता कोई ज़्यादती का केस भी आता है तो बच्चियाँ जो है ना वो अवॉइड करती हैं जाने के लिए, क्योंकि मेल ऑफिसर्स अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो बच्चियाँ इस काबिल नहीं होती या वो बताना नहीं चाहती। तो इसी तरह ये तशद्दुद के केसेस ख़वातीन के हवाले से स्पेशली बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, और इसी तरह जो घरेलू तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अभी तक 68 केसेस सिर्फ रिपोर्ट हुई हैं। यानी अगर हम ग्राउंड पे देखें, अगर कोई औरत पुलिस में होगी, थानों में बैठी होगी, तो कम से कम ये है कि जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, वो बाकायदा जाके अपने केसेस वहाँ पे रजिस्टर करवा सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती अलमिया ये है कि हमारे बलूचिस्तान में अभी, मैंने रिसेंटली ट्रैफिक पुलिस में सिर्फ एक सार्जेंट जो लड़की खड़ी होती है, तो एक दिन मैंने उसको विक्ट्री का तो निशान बना के दिया कि वो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से निभा रही थी, बाकी लोग जो है ना गाड़ियाँ खड़ी करके भी उसको एक अजीब निगाह से देख रहे थे। यानी जब तक इस ट्रेंड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, अगर ख़वातीन हमारा 51% ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसी तरह उनकी इस तरह के अगर इकदाम नहीं होंगे, ना ही हमारे यहाँ वायलेंस ख़त्म होगा, ना ही ओनर किलिंग के हमारे केसेस ख़त्म होंगे, क्योंकि जब तक हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ज़रिया नहीं होगा, जब तक हम थानों तक हमारी एक्सेस नहीं होगी, या हम डोमेस्टिक वायलेंस औरत से ऐसे कि मौत के जब तक मुंह में ना चली जाए उसको जो है ना इसी तरह हम पिसते रहेंगे। तो लिहाजा मेरी इस ऐवान से यही गुजारिश है, यहाँ जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह बाकी यानी थाने हैं हमारे पास, बिल्कुल आज मैंने पढ़ा कि कोई 24 ख़वातीन कॉन्स्टेबल्स जो है ना उनको भी रिक्रूट किया गया है, लेकिन जब कभी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग की मैं बात करूँगी, तो किसी लेडी कॉन्स्टेबल ने कहा कि हमें जब रात को छापे होते हैं तो हम चले जाते हैं, क्योंकि दिन में हमारी ड्यूटीज़ इस वजह से नहीं हो सकती कि थाने जो हैं वहाँ पे मर्द बैठे होते हैं और हम अपने आप को सेफ वहाँ पे यानी हम नहीं महसूस करते कि हम वहाँ बैठे रहें, तो इसीलिए हम अपनी ड्यूटीज़ जो है ना जब इस तरह को छापे होते तब हम जाते। तो मेरा ख्याल है ये भी एक अलमिया है कि हमारे अगर 24 कॉन्स्टेबल्स अभी फीमेल अगर आप लोगों ने रिक्रूट किए इस गवर्नमेंट ने, कम से कम उनके लिए एक सेफ्टी है, एक औरत के लिए एक अगर थाना होगा या एक सेल उनको बना कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, वायलेंस के केसेस भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, इसके अलावा हमारे इस ख़वातीन की फील्ड में जो है ना आने का एक ट्रेंड चल पड़ेगा जो तमाम थ्रू आउट बलूचिस्तान के लिए खुशाइंद होगा।